विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम ममता ने दिया, राहुल ने समर्थन किया, नीतीश इंडिया में एनडीए शब्द आने से सहमत नहीं थे, टैगलाइन रखी जीतेगा भारत। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रखा था। न्यूज एजेंसी ANI ने मीटिंग में शामिल हुए VCK पार्टी के चीफ धोल के हवाले से बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नाम पर सहमत नहीं थे क्योंकि इंडिया में एनडीए के लेटर्स भी आते हैं। वही कांग्रेस नेता सुप्रिया सुरनेत ने कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान बताया कि इंडिया नाम क्यों रखा जाना चाहिए। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जीतेगा इंडिया को अपना टैगलाइन बनाया है। इसी टैगलाइन का अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि विपक्षी दलों की मीटिंग के दौरान कई नेताओं ने महसूस किया था कि गठबंधन के नाम पर भारत ही होना चाहिए, इसके बाद इसे टैगलाइन में शामिल किया जाएगा। असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत कर लिया है। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा भाजपा इंडिया नाम पर बेहद विवाद पैदा कर रही है, भाजपा ने खुद मेक इन इंडिया और साइनिंग इंडिया जैसी स्कीम निकाली है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अब इलेक्शन NDA बनाम इंडिया होंगे और इनमें इंडिया की जीत होगी, सीट शेयरिंग पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी। ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सोमवार को हुई अनौपचारिक मीटिंग में गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा गया है। सभी विपक्षी नेताओं ने इस बार सुझाव मांगे हैं। नीतीश कुमार शुरुआत में इस नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन सभी की सहमति के बाद उन्होंने इंडिया को स्वीकार कर लिया। विपक्षी दलों की गठबंधन का नाम इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इसका अलायंस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। उन्होंने कहा कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और दिल्ली में एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली मीटिंग में होगी। खड़गे ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसी IED CBI आदि को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक भेद है, लेकिन हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं। इससे पहले हम पटना में मिले थे जहां 16 पार्टियां मौजूद थी। आज की बैठक में 26 ने हिस्सा लिया है। कांग्रेस 2024 में लोकसभा चुनाव में करीब 370 सीट पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से बाकी 173 सीटों पर वह सहयोगी दलों के कैंडिडेट को समर्थन दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पिछले 5 लोकसभा चुनाव यानी 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गांधी परिवार के करीबी पार्टी ने एक सीनियर लीडर ने ये जानकारी दी है।